सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम जो अगली प्रॉब्लम है हमारी लेडीज़ की विजाइना क्लीन के बारे में, ये हमने देखनी है। तो वैसे तो प्रकृति ने हमारे को ऐसा बनाया है कि हमारे सभी ऑर्गन्स अपने आप क्लीन होते रहते हैं, और कई बार कुछ हमारी गलतियों की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और उम्र में ये होता है आम तौर पर, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम उसकी डिस्कशन आपस में नहीं करते, अपने दोस्त यारों में, भाई बहनों में ये बातें हम नहीं करते, अपने पेरेंट्स को ये बातें नहीं बताते। तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती भी जाती है। अगर हम किसी गलत संगत में पड़ जाएं तो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत पैसे लूटे जाते हैं हमारे से। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं। तो ये वजाइना क्लीन, इसमें दो तीन चार मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे हमने पहले बताया था, PCOS में मेथी तो हमें अक्सर जो 55-60 की उम्र के हो जाएं उनको मेथी तो डेली खानी ही चाहिए, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये उनके लिए है जिनकी एज ज़्यादा होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को भिगो के सुबह खा लीजिए, या आपने तवे के ऊपर उसको भून कर एक चम्मच उसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट खाइए। तो जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए आप एक चम्मच भिगोइए रात को पानी में, या आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं भुने हुए का, सुबह खाली पेट आपने ये पीना है। जो ये चीज़ें बता रहे हैं सभी आपने सुबह वॉशरूम जाने के बाद आपने ये करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, कई लोग कहते हैं कि हमारा गैस बहुत बनती है, उसकी वीडियो भी डाल दूंगा भी। अगर हम खाली पेट सुबह सुबह चाय पिएंगे, पहले ही हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर पहले ही हमारे तेजाब है, तो एक तेजाब हमने और डाल दिया तो गैस ही बनेगी और क्या बनेगा। तो सुबह आपने खाली पेट चाय नहीं पीनी किसी ने भी। अगर आपको शौक है चाय पीने का तो ग्रीन टी पी लो, नींबू डाल के, शहद डाल के पियो आप, उसमें आपको फायदे मिलेंगे। तो चाय पीजिए आप, ब्रेकफास्ट के एक घंटा बाद चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 बजे पीजिए आप, शाम को पीजिए, चाय को कोई मना नहीं है। मगर आपने सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी। जिनको गैस बनती है आप देखना, उनकी गैस बिल्कुल बननी बंद हो जाएगी। खाली पेट आपने चाय नहीं पीनी और साथ में रस नहीं खाना। रस में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, तो जिनको शुगर बढ़ जाती है वो रस की वजह से भी बढ़ती है, तो रस नहीं खाना। तो एक तो ये हो गया हमारा इसमें कि आपने मेथी एक चम्मच लेनी है, उसको भिगो कर उसका पानी पी जाना है वजाइना क्लीन में सबसे पहला। फिर दूसरा है तरीका लहसुन। लहसुन हम एक या दो तिरी, इससे ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं खानी, ज़्यादा छोटी भी नहीं, दो तिरी सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा जाइए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लहसुन ऐसे नहीं खा सकते तो कईयों में लहसुन की सब्जी बनती है, केवल लहसुन लहसुन की, उसे तड़क के, तो वो आप कुछ दिन खाइए, सुबह थोड़ी सी बना के आप खा लीजिए, आप ज़्यादा नहीं। जैसे हमने 2-3 तिरी ली, उसी को ही थोड़ा सा भून के खा लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक लहसुन को बीच में से काट लीजिए आप, काट कर अगर हम वजाइना के अंदर रखते हैं, ये भी एंटीबायोटिक है, तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम इससे भी दूर हो जाएंगी। एक
वाइट बनेगा, सफ़ेद सिरका आम सब घरों में होता है। सफ़ेद सिरका भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदे करता है। इसको क्या करना है, अगर तो आपके घर में टब हो, जनरली हमारे इंडियन के 95% के घर में टब नहीं होते, तो कोई बात नहीं। अगर टब है तो टब के अंदर आप तकरीबन 100-150 ml विनेगर डाल के, पानी डाल के उसमें थोड़ा गर्म सा पानी, उसमें 15 मिनट से लेकर आधे घंटे बैठ जाइए। एक ध्यान रखना कि आपके कोई वहाँ पर घाव नहीं होना चाहिए जब आपने ये करना है। पहले दो तो आप कर सकते हैं, लहसुन वाला और मेथी वाला, तो मगर ये नहीं आपने करना। इसकी जगह पर हम एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, जो आपको पीछे मैंने बताया था, वो आपके बहुत आगे भी काम आएगा, तो उसको आप वो भी डाल सकते हैं। ये एप्पल साइडर विनेगर और मेथी, अगर आप ठीक भी हैं तब भी आप सुबह एक एक चम्मच अगर खाना शुरू कर दें तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत सी बीमारियों से आप वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो जिनके घर में टब नहीं है उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं, एक छोटी बाल्टी के अंदर आप पानी थोड़ा हल्का गर्म डालिए और एक टावल लेकर उसमें भिगोकर अच्छी तरह, तब इसमें आपने क्वांटिटी कम कर देनी है। वो तो टब था बड़ा था, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा था, इसके अंदर तो पानी कम है, तो इसके अंदर आपने 3-4 चम्मच ही डालना है। तो आपने वो तौलिया भिगोकर उसके आपने वजाइना के ऊपर रखना है तकरीबन 10 से 15-20 मिनट तक, जितना आप इसलिए रख सकें। नहाते समय आप कल्ला कीजिए, आप इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इतना ही रखना है। हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब आप लहसुन और मेथी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये जो हम बातें कर रहे हैं तकरीबन 65 kg अराउंड के, 2-4 किलो ऊपर नीचे कोई बात नहीं, उस पेशेंट के लिए कर रहे हैं। अगर आपका वजन 20-30 किलो ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। अगर बहुत ही कम है, 35-40 किलो है, तो उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करने, जितने भी ये हैं आपको बता रहे हैं हम लेडीज़ प्रॉब्लम की। सिंघाड़े तो आप खा सकते हो, केवल सिंघाड़ा ही, बाकी और कुछ नहीं खाना है, या थोड़ी सी आप मेथी दाना खा सकते हो, इसके अलावा और आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।